मधुबन थाना क्षेत्र के वजीदपुर पंचायत के भहुआरा भान वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य लक्ष्मण भगत के पोता चंद्रकांत कुमार अपने घर के दरवाजे से 22 जून 2020 को ही लापता हुआ था। लापता होने के बाद अज्ञात के विरुद्ध आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा लगातार खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चल सका। आज 3 दिन के बाद से 7 वर्षीय चंद्रकांत कुमार आम के बगीचे से नरकंकाल बरामद हुआ। मृत चंद्रकांत कुमार के दादा लक्ष्मण भगत ने बताया, नंदकिशोर भगत, चंपा देवी, सावित्री कुमारी पोता नितेश कुमार ने मिलकर शिव कुमार का बेटा चंद्रकांत कुमार की हत्या कर दी। इस तारीख को हमारे पोता को अपहरण हुआ था 2200 के। आज 22/7 को घर के 200 गज के बाद रामकुमार प्रसाद के गाछी में मेरे पोता का शव बरामद हुआ है, जिसमें फोन करने के बाद वरीय पदाधिकारी आ करके उसको देख सुन किए हैं और सभी बरामद किए हैं। क्या हुआ उसमें, मान लीजिए आप कैसे पता चला उसमें उसमें हमारा कैसे आपका कैसा था शव उसमें शव का उसमें स्पष्ट है कि हमारे भाव चंपा देवी, भतीजा नीतीश कुमार और भतीजी सावित्री देवी तीनों मिलकर हत्या करके साजी के तरफ फेंक दिया है। तो घटना जैसे कि जो मिला है तो कब का वो लग रहा है कि मारा हुआ है? उसके अगल बगल इर्द गिर्द में हम लोग 3-4 दफे खोजे, लेकिन उसके बाद में ये बारिश में कहीं से शव लेकर के वो वहाँ फेंक दिया था। आज कैसे पता चला है? आज हमारे चाचा बगल में खेत है, जब खेत में गए हैं तो देखे हैं वहाँ कुत्ता सब पैदा हुआ है, गए हैं तो फिर दोबारा चाचा बगल में थे, चाल किए हैं तो लोग घर पर बुलाने गए हैं, देखे हैं कि हमारा पोता का ही शव है, गंजी है, कच्छा है, हनुमानी है, तो हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया है, जो हमारे बड़ा बाबू DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब, बड़े सभी पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और उसको देख रेख किए हैं और पूरा हड्डी एकत्रित कर वह थाना चल रही है। अच्छा, जो मारा है जो किस लिए, क्या विवाद है? वो जमीनी विवाद था, 1/18 दूर का जमीनी विवाद था। पूर्व में मेरा ही जमीन था, वो हमारे परिवार ने लिख दिए थे मालिक से, उसको हमने लिखाया, वही जमीनी विवाद है। इसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है क्या? हाँ, 2 आदमी गिरफ्तार हुआ। क्या नाम है? नाम है उसका चंपा देवी, सावित्री कुमारी। आपका क्या लगेगा? एक ठो लगेगी भाव, एक ठो लगेगी भतीजी। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण भगत है। वो जो बच्चा जो मारा है उसका क्या है? हम उसका दादा हैं। आगे क्या प्रक्रिया है आपका? आगे की प्रतिक्रिया है कि दोषी को कड़ा से कड़ा दंड मिले, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि ऐसा हमारे गांव में, हमारे पंचायत में ऐसी घटना नहीं हो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए